नमस्कार, इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। मित्रों, सहारा निवेशकों की लड़ाई जिस प्रकार से क्यूआई नेटवर्क लड़ रही है वो आपके सामने है। हमारे स्टूडियो में आज संयोग बस दो मेहमान आपको दिखाई पड़ रहे हैं जो इसके पहले भी हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं, दोबारा हमारे स्टूडियो पहुंचे हैं। और ये हमारे स्टूडियो पहुंचे क्यों हैं, इस सब पर हम आपसे बात करेंगे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाने की बात हो रही थी। ये दोनों निवेशक दिल्ली आए, वकीलों की टीम से मुलाकात हुई इनकी, और जो कि ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, एक टीम मुंबई में और दूसरी दिल्ली में, अपने इनपुट्स इन्होंने वकीलों को मुहैया कराए हैं। कितने सौ पेजों में, कितने हजार पेजों में इन्होंने डिटेल दिए हैं वो यही बताएंगे आपको। 2000 है, 3000 है, जो सुप्रीम कोर्ट से निकाला गया है वो डिटेल इन्होंने अपने एडवोकेट को दे दिए हैं। आपको हम ये जानकारी बता दें कि इस पीआईएल की तैयारी, सिर्फ पीआईएल की तैयारी नहीं हो रही है, ये भी तैयारी हो रही है कि और भी कुछ अगर मुकदमे दर्ज करने पड़े या कोई और पिटीशन फाइल करना पड़े पीआईएल के अलावा, वो भी तैयारी हो रही है, ताकि कोई रास्ता न छोड़ा जाए जिसमें सरकार पल्ला झाड़ ले, कंपनी पल्ला झाड़ ले और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं वो पल्ला झाड़ ले। बाकी स्टेक होल्डर्स में तो निवेशक हैं, निवेशक क्या पल्ला झाड़ेंगे, निवेशक तो बेचारे लड़ाई लड़ रहे हैं, निवेशक तो सड़क पर हैं, और सड़क के रास्ते क्यूआईब का स्टूडियो हमारे निवेशक को पता चल गया है। तो हमारे स्टूडियो ये आते रहते हैं, इनकी मुलाकात हुई वकीलों से, वकीलों को इन्होंने इनसे बातचीत हुई और अपनी सारी व्यथा, सारी पीड़ा सब कुछ लिखित में इन्होंने दिया। हजारों फाइल्स इनके पास आ चुके हैं और बड़ी संख्या में लोग इनके पास आवेदन कर रहे हैं। जो मुझे जानकारी मिली है कि 22 राज्यों में ये निवेशक बंधुओं ने आपस में मिल करके अब जो संगठन ये बनाए हैं, ये आपसे अभी बताएंगे कि कौन सा संगठन है, क्या है। 22 राज्यों में इन्होंने कार्यालय खोले, 22 राज्यों में लगातार निवेशकों से संपर्क किया जा रहा है और निवेशक बड़ी संख्या में साथ आ रहे हैं, एजेंट बंधु भी साथ आ रहे हैं। तो आज तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, हमारे स्टूडियो में बहुत स्वागत है आपका। जो एक संगठन है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी बाएं तरफ हैं अभय शुक्ला जी, और हमारे दाएं तरफ सतीश चतुर्वेदी जी, जो निवेशक भी हैं, एजेंट भी हैं और अभी फाइट भी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये सारे लोग जो पीआईएल लगाने की जो तैयारी हो रही है उसके योद्धा भी हैं। अद्भुत बात यह है कि जब इन लोगों ने संघर्ष शुरू किया 2019 से, तो आज सारा ब्यौरा भी ये देंगे कि इनकी परेशानी क्या क्या हुई, कैसे लोगों के बीच गए, कैसे लोगों को इन्होंने आंदोलित किया, कितनी कठिनाइयां हुई, कैसे प्रबंधन के लोग रोड़ा बने, कैसे बहुत सारे अपने भी पराये बनते रहे, ये सब का भी आज मैं इनसे, चूंकि ये स्टूडियो आए हैं तो ये हम बात करेंगे। और आप जो लाइव में जुड़ रहे हैं, अभी मैंने देखा माननीय अमित उपाध्याय जी लिख रहे हैं कि पीआईएल लगाने से कुछ नहीं होगा, सरकार और सुप्रीम कोर्ट सहारा सब मिले हुए हैं और सबके सब चोर हैं। तो आज मैं ये माननीय अमित उपाध्याय जो इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, मैं अपने दो मेहमान से ये जानना चाहूंगा, और शुरुआत सतीश जी करें या अभय जी करें, जिनको जो आप सोचें आप ही करें। अभय जी, ये जो माननीय उपाध्याय जी ने जो कहा है कि सबके सब चोर हैं, ये इसका तात्पर्य क्या है, ये नहीं चाहते हैं ऐसा हो? नमस्कार क्यूआर चैनल के सभी दर्शकों को।
खासतौर पे देश भर की निगाहें आज पीआईएल के लिए, चूंकि हम लोगों ने पहले से ही पूर्ण घोषणा करी थी कि एक निश्चित समय पे आपको पूरी जानकारियां दी जाएगी, और देश इस बात को जानने के लिए तैयार था कि क्या हम लोगों तक ये सूचना पहुंचेगी। लेकिन आपने एक प्रश्न महत्वपूर्ण किसी साथी ने जो लिखा है ये पूछा है, मैं बड़ी विनम्रता के साथ उनसे ही पूछना चाहता हूं कि कोई रास्ता हो तो मत, कोई रास्ता, हम आपके उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हैं, आइए और एक रास्ता बताइए कि हम अगर सरकारों से ना लड़े, हम प्रबंधन से ना लड़े, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ अपना रुख ना करें तो पैसे का विकल्प क्या है? क्या हम उस रद्दी का टुकड़ा लेकर के ये मान लें कि अब हमको पैसा नहीं मिलना है? क्या हमको न्यायिक प्रणाली से सरकार की, जो सरकार की संवैधानिक व्यवस्था है, अब उसको छोड़ देना चाहिए, खुलेआम उनको लूटने की इजाजत दे देनी चाहिए, या तो कदम आगे बढ़ के अपने खुद के गाड़ी की कमाई वापस हो इसका प्रयास करना चाहिए? और अगर उसके बावजूद इन तीनों रास्तों से आप संतुष्ट नहीं है, आपके कोई पास कोई मास्टर प्लान है तो वो हम लोगों के बीच बताइए, हम लोग चलने के लिए तैयार है। और मैं तो निवेदन करूंगा क्यूआईएम नेटवर्क से भी कि वो भी आपके साथ रहेंगे, हो सकता है वो रास्ता इन सभी रास्तों से जल्दी आ जाए। नहीं, मैं तो हर रास्ते पर हूं, हिंसा का रास्ता छोड़ करके, हिंसा और जो गाली गलौज इसका रास्ता छोड़ करके मैं प्रत्येक रास्ते पर क्यूआईएम नेटवर्क। अस्तु सर, जब हमने इस आंदोलन को बनाया था तो चूंकि हम लोग देश के सरकारों और संविधानों में बड़ा विश्वास रखते हैं, वास्तव में हम लोग साधारण परिवार के लोग बनते हैं, अभी भी राजनीति या फिर व्यवसाय में भ्रष्टाचारों के बीच में जो दलाली प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से कभी गुजरे ही नहीं। मजबूरी है कि हमको अपने पैसे के लिए आज दिल्ली के सिनोडा होते हुए आपके चैनल पे बैठ करके आपसे माध्यम से गुहार लगवानी पड़ रही है सरकार से या माननीय सुप्रीम कोर्ट से। अरे, पैसा मिल गया होता तो कभी ऐसी परिस्थितियां निर्मित ही नहीं होती कि हमको इनके खिलाफ लड़ने के लिए यहां तक आना पड़ता या सरकारों तक जताना पड़ता। अब हम उसका ककहरा नहीं जानते थे, हमारी परिस्थितियां ये हैं कि आज मुझे लड़ने के लिए विवश होना पड़ा है। सब साथ छोड़ दे, लेकिन संकल्प के साथ अगर हम लोगों ने आगे कदम बढ़ाया तो मरते दम तक इस लड़ाई को एक अंजाम तक पहुंचाने की संकल्प के साथ जिम्मेदारी लिया, उसको निभाएंगे। लेकिन मैं उन्हीं लोगों से इस बात को पूछना चाह रहा हूं जिनका करोड़ों रुपए लगा, खुद ही कहते हैं हम करोड़ों रुपए लगा, करोड़ों रुपए की लाइबिलिटियां इनके ऊपर है। तो एक तरफ अगर हमारे आप अपने बाएं साइड में तो मुझे पाएंगे एक निवेशक के रूप में, और दाहिने साइड आप पाएंगे कि एक एजेंट के रूप में। ये दो कदम आगे बढ़े हैं तो उसके पीछे क्या लाखों जिन लोगों की परिस्थितियां निर्मित है, 4000 से ज्यादा आत्महत्याएं लोगों ने किया है जो आपके दाहिने तरफ, वो सर्वविदित है, वो किस कारण से की होंगी, उनकी कौन सी ऐसी परिस्थितियां निर्मित रही होंगी जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या जैसे जघन्य अपराधी कह लीजिए उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि तो भगवान की दी हुई चीज है, हमारा अधिकार उस पर नहीं है, और ये तो कायरतापूर्ण निर्णय है। लेकिन इसके बावजूद भी जब कोई रास्ता नहीं बचा होगा तो शायद उन्होंने ऐसा निर्णय लेने की सोची होगी। कोई मदद करने वाला अगर खड़ा हो गया होता तो शायद हम 4000 लोगों की जान बचा पाते जिनकी संवैधानिक जिम्मेदारी थी। संवैधानिक रूप से अगर सरकारें उदासीन है, कहीं ना कहीं उनको संरक्षण दे रही है, तभी तो उनका मानसिक ऊपर दबाव बना। और उनको बचाने के लिए इखलाकुद्दीन लिख रहे हैं कि सर पीआईएल से सोसाइटी का सिर्फ मिलेगा या क्यूसाप का भी मिलेगा? देखिए, पीआईएल के लिए मैं आप पहले भी देश के लोगों को बताऊं, पीआईएल मतलब जनहित याचिका है। इंडिविजुअल कोई ना कंपनी के प्लान प्रभावित है या व्यक्ति प्रभावित होता है, अगर वो जनहित याचिका लग रही है तो वो देश में उससे जुड़े हुए जितने भी इन्वेस्टर और उससे जुड़े हुए जितने भी लोगों का क्लेम दर्शाता है, यानी जो पीड़ित व्यक्ति है। अब मैं उसमें डिफाइन करूंगा तो दिक्कतें आएंगी, वो सभी पीड़ित व्यक्ति जो कहीं ना कहीं उस विजन से, उस परिस्थिति से पीड़ित है, उनको बड़ी न्याय व्यवस्था के अंतर्गत जनहित याचिका जो होती है वो उनको लाभ देती है, अगर आपका पक्ष मजबूत होता है तो। अब चूंकि बहुत सारी डिफाइन करते हैं, बहुत सारे तरीके से लोग भी बहुत तरीके से बात कर रहे हैं, हम कोई विधिक जानकार नहीं है, सिर्फ विधिक लोगों के राय मशवरे के आधार पर यह बात बताते हैं, कहते हैं कि जनहित याचिका की स्थिति यह होती है कि अगर वो गंभीरता की प्रकृति को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट कोई अलग बेंच स्थापित करा देती है तो हम स्पीडी ट्रायल के लिए त्वरित न्याय मिल जाता है।
अक्सर अमूमन केसों में ऐसा होता है बड़े केसों पे कि इतने करोड़ लोग हैं तो ये काम हो सकता है, और अपराध की प्रकृति इतनी बड़ी है कि उस गंभीर प्रकृति को देख के सुप्रीम कोर्ट कभी कभी स्वतः संज्ञान ले लेती है, कभी कभी हम जैसी संस्थाओं को आगे आना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, और वैधानिक कार्यवाही के लिए किसी एक सक्षम वकील के पटल को खोजना पड़ता है ताकि सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल हो जाए। बड़े केस है 90% लगभग 90% से ज्यादा पीआईएल कैंसिल कर दी जाती है, प्रकृति नहीं होती है, लेकिन देश चूंकि जानता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इससे अनभिज्ञ नहीं है, सक्षम पटल और सक्षम टीम के द्वारा पीआईएल, मैं तो ये कहूं कि सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल अभी तक जनता के द्वारा नहीं, और यह बात कहीं ना कहीं सरकारों ने भी इशारा किया है, कोर्ट ने भी इशारा किया है, और हम आप कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक सक्षम पटल पर पहुंचना बहुत जरूरी है, लेकिन जिम्मेदार जो है जिसका पैसा खुद का है, जब तक वो बड़ी कार्रवाइयों की तरफ अग्रसित नहीं होगा तब तक उसके हाथ में वो रद्दी का टुकड़ा ही नजर आएगा, एक दिन वो डूब जाएगा। मैं आपके पास आता हूं क्योंकि मैं जब भी सतीश जी से मिलता हूं तो मुझे एक बहुत ही गंभीर, बहुत शांत, बहुत परेशान। गन्ने की कड़ी बुनियाद जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।